नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार की तरफ से सभी अल्पसंख्यक समुदाय की माली हालात ठीक करने की कोशिश की जाती रही है। इसके साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था का सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है, साथ ही बिहार के हर वर्ग के लोगों की मदद के लिए अहम कदम उठाती रही है। इन सब में से एक है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। आज के इस वीडियो में हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने वाले हैं, जिसके तहत अगर आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो आप भी इस योजना का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि इस अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना आखिर है क्या कि और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना का आरंभ बिहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 5 लाख तक का लोन रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना को साल 2012 में शुरू किया गया था। साल 2012 से लेकर साल 2016 तक इस योजना का बजट 25 करोड़ रुपए रखा गया था। साल 2016-17 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2021 का बजट बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करना है, जिससे कि प्रदेश में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस योजना के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाती है, जिसके तहत अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट bsmfc.org पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ आखिर कौन कौन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के पात्र मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी समुदाय के लोग हैं। इस योजना का लाभ इन श्रेणी में आने वाले लोग आसानी से ले सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा। अब आपको वहाँ से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा। इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी। अब आपको इस आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा, जिसके बाद आपको यह आवेदन पत्र बैंक में जमा करना होगा। इस प्रकार आप अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि रोजगार लोन योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली कैसे होगी, जिसके तहत अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो 3 महीने के मॉरेटोरियम पीरियड के बाद 5% की साधारण ब्याज दर ऋण की राशि पर लगाई जाएगी। ऋण की राशि का 20% त्रैमासिक किश्तों का भुगतान किया जाएगा। यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर पूरे ऋण की राशि का भुगतान कर देता है तो उन्हें ब्याज दर में 0.5% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अगर आप सही समय पर किस्त का भुगतान नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी देनी होगी और लाभार्थियों को 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने होंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ऋण मुहैया करवा रही है तो बैंक के नियमानुसार गारंटर की भी जरूरत होगी। तो ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि अब इस योजना का गारंटर आखिर कौन कौन बन सकता है। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अगर आप लेते हैं, जिसके तहत अगर आप 1 लाख की राशि ले रहे हैं, तो सब गारंटी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी देनी होगी जिसके पास या फिर जिनके माता पिता के पास किराए की रसीद और अन्य संबंधित दस्तावेज है। इसके साथ ही अगर आप 1 लाख से ज्यादा की राशि ले रहे हैं तो सरकार, अर्ध सरकार, बैंक, आयकरदाता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक से पंजीकृत मदरसे आदि जिनके पास अचल संपत्ति है वो गारंटर हो सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आप में से कौन इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको अल्पसंख्यक समुदाय से होने के साथ साथ बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आपकी आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में काम नहीं कर रहा होना चाहिए। आवेदक के परिवार की सालाना आय 4 लाख या इससे कम होनी चाहिए। इसके साथ ही इस योजना के लिए पात्र होने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए योजना कारगर होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।